हेलो, यस मैंने कहाँ तक बताया था? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, बताता चला गया और ये ऑफ हो गया था। सर, आप बता रहे थे कि अगर रेजिस्टर्स यूज कर रहे हैं तो डी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। ठीक है। हाँ, बस वही कह रहा हूँ, काउंटर के लिए आप टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करिए और शिफ्ट रजिस्टर के लिए डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करिए। ठीक है, एस आर और जेके के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ा करिए, क्योंकि वहाँ पर के मैप बहुत ज़्यादा निकालने पड़ जाएंगे और आपको लगेगा टाइम। जब तक स्पेसिफिकली कहा ना जाए तब तक मत करिए, क्योंकि काम चल जाता है हमारा इससे अभी। ठीक है, थोड़ा कॉम्बिनेशन भले बनाना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन आएगा टीए का, टीए टीबी टीसी, ये थोड़े से कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स का हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने बोला, आप थोड़ा सा स्पेस लेके बनाइए फ्लिप फ्लॉप्स को, फ्लिप फ्लॉप के बीच में स्पेस रखिए। ठीक है, और लाइन बहुत ज़्यादा इधर उधर मत लाइए, लाइन दिखा दीजिए कहाँ से निकल रही है आउटपुट पे, वही आपको आउटपुट लाने होते हैं। तो आप वहाँ पर दिखा दीजिए ए है, बी है, सी है, ए बार, बी बार, सी बार, और यहाँ पर डायरेक्टली जैसे कुछ भी इम्प्लीमेंट करिए, यहाँ पर ए दिखाइए, बी बार दिखा दीजिए। ठीक है, और आप फ्लिप फ्लॉप पे कहीं ना कहीं ये निकाल ही चुके हैं, जैसे ए है, ए बार है। ठीक, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, एकदम सिंपल साफ डायग्राम बनाइए तो मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और जो चेक भी करेगा वो भी सोचेगा यार क्या मनाया हुआ है। ठीक है, और कुछ जानना चाहते हैं अभी? तो ये आपका सीक्वेंस जनरेटर भी हो गया। ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया है उसी तरीके से आप लोग को सब करना है। चाहे तो मैं एक एक क्वेश्चन और लेके मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक मिनट होल्ड हो जाएगा सर, ये क्वेश्चन। चलिए एक इस क्वेश्चन का करके देखिएगा। 100000000, ये आपका ये सीक्वेंस ही है, उसके बाद रिपीट होता है। मतलब मैंने सिर्फ वही आपको दिया है जो मेन पार्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर से रिपीट करेगा, उससे आपका काम नहीं है। ठीक है, यहाँ से फिर से रिपीट कर जाता है, तो आपको सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, तो इसमें आपने देख लिया कि नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो ज़्यादा हैं, और है कितने हैं? पाँच हैं। ठीक है, तो इनमें से जो मैक्सिमम है वो फाइव है, तो फाइव लेस देन और इक्वल्स टू 2^n-1। ठीक, तो कितने बिट्स का यूज़ होगा? बोलिए। सर 3 बिट का 3 बिट का यूज होगा, और इसको फिर एलएसबी पर रखेंगे। ठीक है, एलएसबी पे आपका सिंपल ऐसे आ जाएगा 1000000। आपको एक कोड, ये जैसे QC QB एंड QA, इससे बनाना पड़ेगा। तो शुरुआत करिएगा 001। ठीक है, और फिर 010। ठीक, फिर 010। अब 011 तो हो नहीं सकता हमारे पास, और क्या काउंट रहेगी?
जीरो 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 भी तो हो सकती थी। चलिए पहले अब 0 1 0 फिर 0 0 0 कर लीजिए, फिर 1 0 0 कर लीजिए, 1 1 0 कर लीजिए, लेकिन मामला फंसेगा। एक मिनट रुक जाओ, 2 रेस्ट पावर यहाँ पूरी पूरी हमें बन ही नहीं पा रही हैं, तो मैं या तो फिर एक और स्टेट बढ़ानी पड़ेगी। चलो मैं इसको बताता हूँ उसको, ठीक है आप ट्राई करिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 और कोई टर्म बच नहीं रहा है, लेकिन एक हमारा खाली बच जा रहा है, तो ये इतने बिट से हो नहीं सकता, इतने फ्लिप फ्लॉप से बन नहीं सकते, एक और हमें बढ़ाना पड़ेगा। चलो उसको नेक्स्ट बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए वाइंड अप करें। यस सर, एंड हैप्पी दीपावली। सेम टू यू। हैप्पी दीपावली सर।